तो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पम ब्लॉग्स। तो गाइज, बहुत दिनों बाद हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि उधर कुछ कॉलेज में हो नहीं रहा था पीछे कुछ दिनों से, और फिर पढ़ाई भी हो रही थी, तो पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा सा बिजी थे। और अभी फिलहाल एग्जाम चल रहा था, तो हम लोग का 4 एग्जाम खत्म हो चुका है और आज लास्ट एग्जाम है इंग्लिश का। तो इसलिए सोचे आज का ब्लॉग बना लेते हैं और दिखाते हैं आप लोग को कैसे कैसे एग्जाम होता है, कैसे कैसे है अरेंज किया हुआ सीट। तो चलते हैं आज कॉलेज में और आप लोग को पूरा दिखाते हैं। अभी तो फिलहाल हम फ्रेश व्रेश हो गए हैं और अभी जाएंगे नहाने। मन तो कर नहीं रहा क्योंकि तबीयत खराब है मेरा 3-4 दिन से, फिर भी देखते हैं नहा लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे और फिर नहा के चलते हैं। खाना तो बन गया और नहा के चलते हैं, खाना पीना खा के कॉलेज, और आप लोग से सीधा कॉलेज में मिलते हैं। और फिलहाल अभी अमित पढ़ाई कर रहा है और हम जा रहे हैं नहाने, वो नहा वहा के पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं कॉलेज में और आप लोग से सीधा कॉलेज में मिलते हैं। तो अभी गाइज रेडी भी हो गए हैं, खाना भी खा लिया है और अब चलते हैं स्टॉपेज पे। 9:15 की बस है, फर्स्ट बस 9:15 में आती है और सेकेंड बस 9:30 में। तो आज तो जल्दी हो गया, 9 ही अभी बज रहे हैं, तो चलते हैं आज फर्स्ट बस से ही। रोज दिन फर्स्ट बस से ही जाते, कभी कभी छूट जाते हैं तो सेकेंड बस लेना पड़ता है। तो चलते हैं अब। तो अभी गाइज स्टॉपेज पे तो आ गए हैं, लेकिन अभी तक बस आई नहीं है और आज एक भी बच्चे दिख भी नहीं रहे हैं। और ये रहा बुलेट एजेंसी, आज लगता है नया नया बुलेट उतरा है आज। अब वेट करते हैं बस का, 5 मिनट में आ ही जाएगी। तो अभी गाइस बस भी आ चुकी है, तो अभी गाइस बस में बैठ गए हैं और अब चलते हैं कॉलेज और आप लोग से सीधा कॉलेज में मिलते हैं। तो गाइस कॉलेज पहुंच गए हैं और अब चलते हैं अंदर और आप लोग को दिखाते हैं क्लासरूम, जिसमें हम लोग का आज एग्जाम है। और बहुत दिनों बाद आपको कॉलेज का ब्लॉग देखने को मिला होगा, पहले तो बना नहीं रहे थे कुछ दिनों से, बट आज बनाए हैं क्योंकि आज लास्ट एग्जाम था। और ये रहा हॉल, अभी चलते हैं बायोमेट्रिक करते हैं और फिर चलते हैं रूम में और आप लोग को रूम दिखाते हैं। और यहाँ पे हो रहा है बायोमेट्रिक, यहीं पे बायोमेट्रिक करके अब रूम में चलते हैं। ये रहा रूम नंबर 4, अब रूम नंबर 4 में आज हम लोग का एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम। तो आगे मेरा बेंच है जो कि आगे हमको बैठना है, कल भी हम आगे ही बैठे थे फ्रंट बेंच पे, लेकिन कोई नहीं, लिख लेते हैं तब भी सब सोचता है कि आगे बैठेंगे तो लिख नहीं पाएंगे ये वो, ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ, मैं तो अच्छे से लिखा एकदम अच्छे से। और अब चलते हैं बाहर, थोड़ा वॉशरूम करके आते हैं, फिर आराम से बैठेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के बीच में वॉशरूम नहीं जा सकते, सो करके आते हैं। और अब देखिए इतने बच्चे आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी, अभी सब कोई बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपना, कुछ कुछ कर रहे हैं। तो अभी गाइज बैग बाहर रख दिए हैं और अब चलते हैं क्लासरूम में, एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, सर आ गए हैं, तो बैग बाहर रख दिए हैं, चलते हैं क्लासरूम में और फिर एग्जाम देके आप लोग से मिलते हैं। तो अभी गाइज एग्जाम खत्म हो चुकी है और अभी आ गए हैं बाहर धूप में। तो अभी गाइज बाहर आ गए हैं और अब अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। अभी तो सबका एग्जाम खत्म हो चुका है, तो सब लोग अभी इधर हॉल में हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और अभी थोड़ी देर में बस खुलने वाली है, तो सभी बायोमेट्रिक करके बस की तरफ जा रहे हैं क्योंकि 12:35 में एक बस खुलती है। तो गाइज आज वॉलीबॉल का मैच होने वाला है जो कि 2-3 दिन से चल रहा है, और ये है 2K22 बैच, हमारी बैच है जो कि आज भी खेलेगी। तो अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस चल रहा है, प्रैक्टिस होने के बाद 5 मिनट में गेम स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे बैचमेट्स तो यहाँ पे हमारे बैट्समैन सब है जो कि देख रहे हैं वॉलीबॉल का इंतजार कर रहे हैं, स्टार्ट होगा वॉलीबॉल आज, इसीलिए हम भी रुक गए, नहीं तो अभी चले जाते रूम पे। यहाँ पे रहे सारे बैचमेट्स 2K22। तो अभी गाइज बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना था, तो अभी ऑफिस में चलते हैं और लेके आते हैं। तो गाइज सर्टिफिकेट लेके आ गए हैं बोनाफाइड, और अब इसको लेके DRCC में जाएंगे, वहाँ पे अभी तो रजिस्ट्रेशन नंबर आया नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा कॉलेज का, फिर उसके बाद DRCC करवाना होगा, फिर DRCC करवाने के बाद क्रेडिट कार्ड मिलेगा। और अब चलते हैं बाहर,
गेम देखने, वॉलीबॉल गेम होने वाला है आज टीम 2K22 बैच का। तो चलिए देखते हैं बाहर और आप लोग को भी दिखाते हैं। तो गाइज ये गेम का लास्ट बॉल है और अभी देखते हैं कौन जीतता है। तो गाइज 2K22 बैच हार गई है और 2K20 बैच जीत गई है, बट कोई बात नहीं, निराश होने की बात नहीं है। इससे पहले 2-3 मैच जीत चुकी है टीम 2K22 बैच। बाकी अभी एक अभी दो मैच और बाकी है, तो अब दो मैच में देखते हैं क्या होता है क्या नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, 3 मैच जीत रखे हैं पहले से और ये फर्स्ट मैच हारे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले मैच के लिए अच्छे से तैयारी करना। और ये रही हमारी टीम 2K22 बैच, जो कि ड्रेस चेंज कर रही है अपना, और यहीं पे दर्शक लोग पूरे 2K22 बैचमेट्स। और अभी एक ऋषिक है, उसको जो चोट लग गया था तो वो सीनियर सर लोग ले गए हैं दवा लगाने के लिए। तो अभी गाइस गेम खत्म हो गया है और अब चलते हैं बायोमेट्रिक करते हैं और फिर चलते हैं रूम पे। तो अभी गाइस बाहर गेम चल रहा था तो गेम खत्म हो गया और अभी अंदर आए हैं। अभी 2 बजे के बाद बायोमेट्रिक लगाएंगे, तो अभी टाइम बाकी है। तो ऐसे ही क्लास में फोटो फोटो क्लिक कर रहे हैं। आज हमारे एग्जाम का लास्ट दिन था, और एग्जाम भी आज हो गया और अच्छे से हो गया। तो अब चलते हैं, हमारे कुसुम भाई 20 में 20 लाएंगे इस बार। नहीं यार ऐसा नहीं है, बट एग्जाम अच्छा गया है आज का, तो बस और लास्ट एग्जाम था। अब चलते हैं वापस रूम पे बायोमेट्रिक लगा के, फिर आप लोग से रूम पे मिलते हैं। तो अभी गाइस बायोमेट्रिक कर लिया और अब चलते हैं बाहर, ऑटो देखते हैं और ऑटो से रूम पे। हमें पार्टी देगी, पार्टी किस चीज का पार्टी चाहिए भाई, पार्टी देगी किस चीज का पार्टी चाहिए। काने कागी हबीबी मेट में लाइक कर दी हबीबी हबीबी कम टू दुबई। तो अभी गाइस पैदल जा रहे हैं, टोटो तो मिला नहीं है, तो अब पैदल आगे तक चलते हैं, मिल जाएगा तो ले लेंगे और वहां से सीधा चलेंगे, नहीं तो अब डायरेक्ट टी पॉइंट पे जाना पड़ेगा पैदल, फिर वहां से तो टोटो मिल ही जाएगा मेन रोड। फिलहाल तो अभी पैदल पैदल चलते हैं चारों दोस्त। तो अभी गाइस हवाई अड्डा आ गए हैं और अब यहां से दुकान से सामान लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं, भुजिया ले लेते हैं खाने के लिए। तो अभी गाइस रूम पे आ गए हैं और अब ड्रेस चेंज करते हैं और फिर फ्रेश व्रेश होते हैं, फिर नाश्ता करेंगे। तो अभी गाइस शाम हो चुकी है और अभी हम बना रहे हैं चाय, तो अभी यहाँ पे बना रहे हैं चाय और चाय बिस्किट खाएंगे अभी, और फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट, और मार्केट से आज प्लान है चिकन लाने का, तो चिकन लेके आएंगे और फिर रात को चिकन बना के चिकन खाएंगे। आज रात का प्लान है चिकन खाने का,
तो पहले चाय बनाते हैं और चाय पी के चलते हैं मार्केट। गाइज मैं, भैया और अमित तीनों को जा रहे हैं मार्केट चिकन लाने के लिए, तो चलते हैं और चिकन लेके आते हैं। तो अभी गाइज बैंक में आए हुए हैं एटीएम में पैसे निकालने के लिए, तो पैसे तो निकाल लिए, अब चलते हैं वापस और चिकन लेके चलते हैं रूम पे। हर्ष को बाल कटवाना है और दाढ़ी कटवाना है तो सैलून में आए हैं अभी, अभी अंदर चलते हैं कटवाने। एक को आए, चार को ही है दोस्ती। तो ये रहा सैलून, ये रहा। क्या करवाना है रे बोलो। तो अभी गाइज मैं, आदित्य और पीछे अमित है, हर्ष है, चारों को ही आए हुए हैं गांधी मैदान घूमने। रात में ऐसे ही टहलते टहलते एग्जाम खत्म हो गया है तो ऐसे ही घूमते घूमते आ गए हैं। और पीछे आपको दिखाते हैं अभी समाहरणालय, इंडिया गेट। इंडिया गेट, इंडिया गेट नहीं, यहाँ मोतिहारी का इंडिया गेट कह सकता है। तो अभी आपको दिखाते हैं पीछे का सीन अच्छे से। तो गाइज ये है मोतिहारी का समाहरणालय, पूर्वी चंपारण मोतिहारी का। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है रात में, पूरा लाइट जल रहा है चारों तरफ। तो अभी गाइज आ गए हैं मार्केट से और अभी बना रहे हैं हम चिकन, तो अभी आपको दिखाते हैं। तो ये रहा चिकन, आधा किलो चिकन है और वो प्याज, और इधर है लहसुन और मिर्च भुजा रहा है अभी, उसके बाद प्याज डालेंगे फिर चिकन डाल के बनाएंगे। तो अभी गाइज अपना चिकन बन गया है, और ये रहा चिकन और ये रहा चावल, भैया के लिए, मेरे लिए और अमित के लिए। तो अभी मस्त खाते हैं, कुकर पूरा खाली हो गया। और ये रहा चिकन जो कि हम बनाए हैं आज, और दिन भैया बनाते थे लेकिन आज हम बनाए हैं। तो मस्त अब चलते हैं खाते हैं फटाफट। तो अभी गाइज खाना भी खा लिया है, और आज का चिकन था वो अच्छा नहीं बना है, तो आज मजा नहीं आया खाने में, लेकिन पेट भर के तो खा लिया फिर भी, लेकिन मजा नहीं आया खाने में। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, हर बार अच्छा बनता नहीं है और अभी तो हम सीख ही रहे हैं, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम अच्छा से बनाएंगे और धीरे धीरे तो अच्छा बनने लगेगा। फिलहाल अभी जा रहे हैं सोने, अब एडिटिंग करेंगे और फिर उसके बाद अपलोड में लगा देंगे और फिर सो जाएंगे। और आज हमारा लास्ट एग्जाम था, चार दिन से हम लोग का एग्जाम चल रहा था और ये लास्ट था, तो एग्जाम अच्छा से हो गया सब। और बस अब इसके बाद होगा, एक मंथ बाद फर्स्ट सेम होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, तो अब उसका तैयारी करना है। तो मिड सेम तो हो गया, अब फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना है। तो फिलहाल अभी चलते हैं सोने और आप लोग से मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर चैनल पर नया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।